यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को पहले ही प्रयास में पास करना वाकई एक बड़ी बात है। और जब कोई 22 साल का नवयुवक पहले ही प्रयास में इस परीक्षा को अच्छी रैंक के साथ पास कर ले तो वाकई हैरानी होती है। मगर इस कारनामे को सच साबित करके दिखाया है बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले मुकुंद कुमार ने। एक किसान के बेटे मुकुंद ने वर्ष 2019 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में देश भर में 54वीं रैंक हासिल की और अपने आईएएस बनने के सपने को साकार किया। और ख़ास बात ये कि उन्होंने ये सफलता बिना किसी कोचिंग की मदद के हासिल की। हम यहाँ बता रहे हैं मुकुंद की स्ट्रेटेजी और यूपीएससी जर्नी के बारे में, जिससे यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रेरणा ले सकते हैं। मुकुंद के मुताबिक, जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी उन्होंने आईएएस और आईपीएस शब्द कहीं पढ़े थे। तब उन्होंने अपने पिताजी से इन शब्दों का मतलब पूछा। उनके पिता ने उन्हें इसका मतलब बताया। इस बात को मुकुंद ने अच्छे से गांठ बांध लिया और आगे चलकर इसी को अपना गोल बना लिया। मुकुंद ने बिहार में ही आवासीय सरस्वती विद्या मंदिर से 5वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सैनिक स्कूल गोलपाड़ा आसाम से 12वीं तक की पढ़ाई की। 12वीं के बाद मुकुंद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख किया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा देने की सोची, मगर उस समय उनकी एज कम थी, इसलिए उन्होंने वर्ष 2018 का पूरा साल परीक्षा की तैयारी में बिताया और फिर वर्ष 2019 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के पूरी तैयारी की। अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। पहले वो जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे उसको उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ घूमना, फैमिली फंक्शन में जाना और यहाँ तक कि शादी समारोह में जाना भी छोड़ दिया। मुकुंद ने रोज 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई की और फिर अपने पहले ही प्रयास में देश की इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया। मुकुंद के मुताबिक, यूपीएससी इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता कि आपकी शर्ट में कितने बटन हैं या आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए, बल्कि यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे ये पता चल सके कि आप अपने देश को कितना जानते हैं। इसीलिए ऑनलाइन दिए गए हर आर्टिकल से भ्रमित ना हों और यूपीएससी द्वारा दिए गए सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें, सही स्ट्रेटेजी बनाएं और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। सफलता अवश्य मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।